नमस्कार, आप देख रहे हैं सितारगंज टीवी। उत्तराखंड में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से, सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी का कहना है कि प्रशासन के द्वारा ब्लैक फंगस के लिए राज्य की सुशीला तिवारी में अधिकृत किया गया है और चिकित्सालय के अंदर आइसोलेट वार्ड का तैयार किया गया है। बल्दानी के अंदर फिलहाल दो ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, जिसका इलाज सुशीला तिवारी में चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों के संक्रमित होने पर हल्द्वानी शहर में बाल रोग विशेषज्ञ टीम तैयार किए गए हैं। सुशीला तिवारी और DRDO अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। जिले के अंदर 11 बाल रोग विशेषज्ञ और जरूरत पड़ने पर प्राइवेट चिकित्सालय से भी संपर्क किया जाएगा। बच्चों को देखते हुए अधिकारियों के द्वारा भी लगातार बैठक कर संपर्क किया जा रहा है। नैनीताल जिले में फिलहाल बच्चों के संक्रमित होने की संख्या कम है, उसके बावजूद भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। फंगस का जो राज्य ने हमारे निर्धारित किया है इलाज के लिए, सुशीला तिवारी चिकित्सालय को अधिकृत किया है नैनीताल जिले के लिए, और वहां पर आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है ब्लैक फंगस के लिए, और सारी तैयारियां वहां पर दुरुस्त हैं। अभी केसेस की संख्या में गिरावट आ गई है। ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, वेंटिलेटर अभी खाली हैं, और सुशीला तिवारी चूँकि एक अधिकृत हमारा डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय है और यहाँ पर पैथोलॉजी, एक्सरे, सीटी स्कैन सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो बेड खाली होने की वजह से उनको वहीं भेजा जा रहा है। कोरोना का चैलेंज कि ऑक्सीजन लेवल कम था, या मान सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना खत्म हो गया? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस समय ऑक्सीजन बेड्स की कमी हो रही थी तो उसको संचालित किया जा रहा था, लेकिन हालात बिगड़ने पर फिर वहीं शिफ्ट किया जाता है, तो इस वजह से अब खाली हैं बेड, तो मरीजों को वहाँ पर एडमिशन के लिए बोल दिया जा रहा है। नैनीताल ज़िले में कल भी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है, इस पर पूरा विचार विमर्श हुआ है, और सुशीला तिवारी चिकित्सालय में पीडियाट्रिक बेड्स बढ़ाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। वहाँ पर 20 बेड बढ़ाए जा रहे हैं, 14 बेड पहले से थे, और बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में भी ऑक्सीजन युक्त पीडियाट्रिक बेड और BD पांडे में भी बढ़ा रहे हैं। मैं जो बाल रोग विशेषज्ञ कितने पूरे नैनीताल ज़िले में आपके पास एट प्रेजेंट हैं? एट प्रेजेंट सरकारी में हमारे पास 11 बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो क्या लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में नैनीताल ज़िले में 11 विशेषज्ञ जो है बाल रोग विशेषज्ञ ट्रीटमेंट कर पाएंगे? इसके अलावा सुशीला तिवारी चिकित्सालय में भी विशेषज्ञ हैं हमारे पास, और प्राइवेट सेक्टर में भी 15 विशेषज्ञ हैं हल्द्वानी शहर में, तो आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाएँ भी ली जा सकेंगी।